क्या आप जानते हैं कि एक PTZ कैमरा आपके जो ग्रोथ होते हैं उसको कितना बढ़ा देता है? इस चीज़ को समझने के लिए आज इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे क्लाइंट हैं जिन्होंने जब PTZ कैमरा का यूज़ करना शुरू किया तो ना सिर्फ उन्हें करियर में फ़र्क दिखना शुरू हुआ बल्कि जो उनके खर्चे थे वो भी बचने शुरू हो गए। वो कैसे, चलिए जानते हैं। हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका बेंचमार्क टेक्नोमेट के इस नए वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं कि PTZ कैमरा क्यों ज़रूरी है आपके करियर में उछाल लाने के लिए और आपके खर्चे को कम करने के लिए। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि PTZ कैमरा वर्क कैसे करता है। वैसे तो मैंने बहुत बार आपको बताया है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में एक बार मैं छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि किस तरीके से आपके लिए PTZ कैमरा वर्क करता है। तो PTZ कैमरा एक ऐसा कैमरा है जिसमें किसी भी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको कैमरे को यूज़ करने के लिए या फिर कैमरे को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि PTZ कैमरे को बस आपको अपने रिमोट से चलाना है जो कि आपके हाथ में होता है, और उसके बाद आप जिस तरीके से उसको शिफ्ट करना चाहते हैं जिस भी डायरेक्शन में, वो उस हिसाब से हो जाता है। PTZ कैमरे में जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं वो आपके सिस्टम में सीधे दिखता है, यानी कि जो भी आपका सिस्टम है जो कि OBS सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर सके, आप उसको लगा लेते हैं तो फिर PTZ कैमरे में क्या रिकॉर्ड हो रहा है वो आपके सामने दिखना शुरू हो जाता है। तो एक तो सबसे पहले ये खर्चा बच गया कि आपको किसी मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मैन पावर का जो आपका कॉस्ट है वो आपका बच जाता है, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जब मैन पावर का कॉस्ट बच गया तो फिर आगे कैसे और मैं यूज़ कर सकता हूँ इसे, ये भी जानने में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, है ना। अब समझिए कि आपने जब PTZ कैमरा लगा लिया, अब आपको एडिटिंग करना है या फिर आपको लाइव जाना है, तो जो आपका सिस्टम है आप सीधे उससे लाइव जा सकते हो। अब कैसे, मान लीजिए कि ये आपका PTZ कैमरा है जो कि आपकी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है, ओके। इसके बाद ये रिकॉर्ड हो रहा है आपके सिस्टम में जिसमें OBS सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। अब यहाँ पे या तो आप लाइव जाना चाहते हैं तो सीधे आप पहले से एक पैटर्न रखिए जिसमें नीचे जो भी आपकी डिटेल्स है वो चलते रहे और ऊपर आपका लोगो मेंशन रहे, और बीच में जो फ्रेम है ये फिल हो जाता है आपके वीडियोस से, जो भी आप पढ़ाते हैं या फिर आप अपने स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते हैं या फिर आप अपने वाइट बोर्ड में पढ़ाते हैं वो सीधे रिकॉर्ड होता है। अब क्या होता है कि ये सीधे जो है ये यूट्यूब पर आप लाइव जा रहे हैं या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर, जैसे आप मान लीजिए जूम पर लाइव जा रहे हैं या फिर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर आप किसी अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव जाना चाहते हैं, तो आप सीधे इस तरीके से जा सकते हैं। अब इसमें आपका पैसे का खर्च कैसे बच रहा है, क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आपको यहां किसी भी एडिटर को रखने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां आपने सीधे रिकॉर्ड किया अपने PTZ कैमरे से, सीधे वो आपके सिस्टम पे आ गया और सीधे आपने उसको यूट्यूब या सोशल मीडिया पे डाल दिया। अगर आप यूट्यूब और सोशल मीडिया का नॉलेज रखते हैं कि कैसे अपलोड करना है, जिसके लिए बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब पे या फिर आप कहीं भी देखेंगे कि कैसे कीवर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, अगर आपका सब्जेक्ट टीचिंग का है या फिर आपका सब्जेक्ट ट्रेडिंग का है या गेमिंग का है, तो आपको किस तरीके से इसको यूज़ करना है और क्या क्या कीवर्ड्स आपके लिए सही है, तो वो बहुत सारे आपको जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं। तो सीधे जो SEO और अपलोड करने का भी काम है वो भी आप खुद से कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट अच्छी खासी है। अब अगर आप एक समझिए कि आप कैमरा पर्सन को रखते हैं, तो अगर आप किसी फ्रेशर को भी रखते हैं, मैं फ्रेशर का बता रही हूँ जो कि आज के डेट में रेट है, क्योंकि पर्सनली हमें हायर करना पड़ता है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, तो जो आज के डेट में सबसे कम बेसिक रेट है उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको अच्छे समझाती हूँ कि किस तरीके से अब आपका खर्चा बचा और कितना पैसा आपने बचा लिया, ठीक है। अब आपका जो कैमरा पर्सन था वो आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि आपने वो कैमरे को लगा लिया, खुद आप रिकॉर्ड कर रहे हो, खुद डाल रहे हो, तो किसी भी कैमरा पर्सन का जो कॉस्ट है आज के डेट में वो 20,000 से नीचे आपको कहीं भी कैमरा पर्सन नहीं मिलेगा, ठीक है।
कहीं भी आपको 20,000 से नीचे कैमरा पर्सन नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी उससे वीडियोस बनवाओ या फिर आप दिन भर में एक वीडियो बनवा रहे हो, चार वीडियो बनवा रहे हो, लेकिन इससे नीचे आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद जो एडिटर है, एडिटर का जो कॉस्ट है, अगर आप बेसिक भी रख रहे हो, बस आपका चीज़ों को हल्का फुल्का एडिट भी कर दे, तो भी मान लीजिए कि आपको 15,000 से नीचे आपको कहीं भी एडिटर नहीं मिलने वाले हैं। इससे ऊपर या फिर इसी रेट पे आज के डेट में आपको एडिटर मिलेंगे, ओके। इसके अलावा अगर आप अपलोडिंग के लिए सोशल मीडिया टीम को रख रहे हैं जो आपकी चीज़ों को अपलोड करे, तो सोशल मीडिया में अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग जो SMO जानता है, यानी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन को जो जानता है, अगर उसे भी आप रखेंगे तो इसको भी आपको मिनिमम 15,000 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों खर्चे से आपको ये PTZ कैमरा बचा लेता है। बस सोशल मीडिया में आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ट्यूटोरियल अपने सब्जेक्ट के बारे में लेना। आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट हैं नहीं कि मुझे इनके लिए भी वीडियो बनाना है, इनके लिए भी वीडियो बनाना है, ये अलग टॉपिक है। तो आपके पास जो वेरियस टॉपिक नहीं है, सिर्फ आप एक टॉपिक पर फोकस करके अपना वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत ईजी है कि आप सोशल मीडिया से अपने लिए ट्यूटोरियल सीख जाइए और PTZ कैमरे को यूज़ करके इन सब को आप कर सकते हैं। मैं हाल फिलहाल में आपको एक एग्जांपल दूंगी। हमारे पास एक योगा के क्लाइंट थे जो लोगों को योगा सिखाते हैं। जब हमने उनसे बात किया कि उनके लाइफ में PTZ कैमरे ने कितना योगदान दिया है या फिर कैसे वो चीज़ों को कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब वो PTZ कैमरा नहीं यूज़ करते थे तब इतना क्लाइंट उनके पास नहीं आता था। जैसे ही उन्होंने PTZ कैमरा यूज़ करना शुरू किया, उनके पास जो क्लाइंट का रेशियो है आज के डेट में 500% बढ़ गया है। मैं इस क्लाइंट का नाम भी आपको बता देती हूँ। इस क्लाइंट का नाम है जयराम योगा। आप अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाएंगे और ये PTZ कैमरा हमारा यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका PTZ कैमरा खर्च भी बचाता है और उसके बाद आपको ग्रोथ भी बिजनेस में देता है। तो इसलिए अगर आपने अभी तक अपने बिजनेस को इन्हांस करने के लिए, चाहे आप टीचिंग में हैं, चाहे आप योगा का सेशन देते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग करते हैं, एनीथिंग, या फिर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं जो आप प्रॉपर शूट करते हैं, अगर आपने अभी तक PTZ कैमरा नहीं रखा है तो ये आपकी भूल है। आप अभी के अभी हमारे PTZ कैमरे का रेट सर्च कीजिए, क्योंकि ये कैमरा जो है ये आपको 1,00,000 से नीचे में पड़ जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी महंगे कैमरे में जाते हैं जो सिनेमैटिक कैमरा होता है, जो कि सेम क्वालिटी लेंसेज अलग अलग तरीके से होते हैं उसमें आपको प्रोवाइड करता है, तो फिर यही कैमरे का रेट जो है वो बढ़ जाता है 3 से 4 लाख रुपये। तो अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं तो आपको इस तरीके के कैमरे को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम आपका PTZ कैमरा बहुत ईजिली कर देता है। इसलिए सोचिए मत, नीचे कॉल नंबर दिया हुआ है, उसमें कॉल कीजिए, डेमो लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको डेमो लेना है वो लीजिए। पूरे भारत में हमारे सेंटर्स वहाँ हैं जो आपके सबसे नज़दीक भी पड़ेंगे। हमारे सेंटर्स के बारे में जानिए और हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि जब आप ग्रोथ करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।